हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है बिंदास बॉय टीच विद फन। आज के टॉपिक में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि अगर आपके मोबाइल ऑन है और आप किसी बंदे को स्विच ऑफ शो कराना चाहते हैं तो आप कैसे करें। फ्रेंड, इसके साथ साथ आपको किस बंदे ने कॉल किया है ये भी पता करें। उसके बाद अगर फ्रेंड्स, मैंने ये दोनों टॉपिक पर वीडियो अपलोड करके पहले ही रखा है। उसके बाद ड्राइवर्स ने कमेंट किए थे कि फ्रेंड्स मुझे कुछ कुछ ऐसा तरीका बताओ जो जिससे मैं ये ट्रिक यूज करता हूँ, पर वो बंदे किसी और नंबर से मुझे कॉल करते हैं तो वो कॉल मेरे पास आ जाती है। तो मैं आज उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आया। तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल पे एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे आप इसे क्लिक कर दे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बगल में बेल नोटिफिकेशन आ रहा होगा, उसे ऑल पे सेट कर दे ताकि हमारे चैनल पे आने वाले सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। फ्रेंड्स, मैंने बताया कि इस टॉपिक पे मैंने पहले ही एक वीडियो अपलोड करके रखी थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वीडियो, जिसमें इसका नाम है फ़ोन नंबर ऑन होते हुए भी स्विच ऑफ कैसे शो करे। इसमें यह प्रॉब्लम आ रही थी कि जिस बंदे ने कॉल कर रहे थे उसे पता नहीं चल रहा था कि आखिरकार किस बंदे ने कॉल किया है। उसके बाद इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के मैंने दूसरे वीडियो में आया था, जिसमें ये पता चल रहा था कि किस बंदे ने किसके कॉल आए हैं। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि फ्रेंड्स, उस बंदे ने दूसरे नंबर से कॉल किया तो वो फ़ोन आ जा रहा है, उसे स्विच ऑफ नहीं बता रहा। तो आज मैं उसी टॉपिक पर बात करूँगा जो ये सारा तीनों वर्क काम करे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और सीखते हैं कि इन तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको उसी ट्रिक को इस्तेमाल करनी है, उसी ट्रिक को यूज करनी है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक सेटिंग कर देनी है। मैं उसी ट्रिक का यूज़ करूँगा पर थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा, तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आपको चलनी है आप सीधे सेटिंग पर, तो मैं अपनी सेटिंग्स को ऑन कर लेता हूँ। सेटिंग्स को ऑन करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे अननोन नंबर सर्च करनी है। अननोन नंबर सर्च करने के बाद फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ब्लॉक अननोन नंबर इनकमिंग कॉल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर में ही देखने को मिलेगा ब्लॉक ऑल अनफैमिलियर इनकमिंग कॉल्स। उसके बाद ये आपको डिसेबल होगा, इसे इनेबल कर देनी है। इनेबल करने के बाद फ्रेंड्स, आपसे ये परमिशन मांगेगा कन्फर्म करते, इसे ओके पे क्लिक कर देनी है। ओके पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सिम वन के लिए मैंने ये सेटिंग किए थे, जो नंबर मेरे मोबाइल में सेव नहीं है वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगी। और इसके बाद आप सिम टू में भी इसे अलाउ कर देता कि आपके दूसरे सिम पर भी किसी बंदे ने कॉल किया अननोन नंबर से तो वो ब्लॉक हो जाए और उसके बाद आपका कॉल फॉरवर्ड हो जाए। फ्रेंड्स, मैंने ये सेटिंग कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करनी है कॉल। कॉल सर्च करने के बाद फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पे कॉल फॉरवर्डिंग पे क्लिक करनी है। कॉल फॉरवर्डिंग पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको सिम वन पे चल जानी है। उसके बाद कॉल फॉरवर्डिंग पे क्लिक करनी है। कॉल फॉरवर्डिंग पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। फ्रेंड्स, मैंने कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था कि ऑलवेज फॉरवर्डिंग करने पर आपको किस बंदे ने कॉल किया ये आपको पता नहीं लग रहा था। उसके बाद मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था, जिसमें आपको बताया था कि आपको जिसका भी नंबर स्विच ऑफ शो करवाना है उसे ब्लॉक करके वेन बिजी पर स्विच ऑफ नंबर पर फॉरवर्ड कर देंगे तो आप उसे स्विच ऑफ शो करवा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस प्रोसेस को आप यहाँ पर वेन बिजी एक नंबर जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा है, तो आप इसे एक स्विच ऑफ नंबर पर फॉरवर्ड कर देंगे। इससे आपको कोई भी बंदा कॉल करेगा जो आप जिसे भी ब्लॉक करके रखेंगे वो ऑटोमेटिकली फ़ोन कट जाएगा। कटने के बाद आपको एक स्विच ऑफ नंबर पे फॉरवर्ड कर देगा, जिससे आपका फ़ोन स्विच ऑफ बताएगा आपका फ़ोन ऑन रहते हुए भी। अगर बाय मिस्टेक उस बंदे ने किसी और न्यू नंबर से फ़ोन करना चाहा आपके मोबाइल में, तो फ्रेंड्स अननोन नंबर मतलब कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है वो भी ऑटोमेटिकली आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। ब्लॉक करते ही फ्रेंड्स, आपका नंबर स्विच ऑफ नंबर पे फॉरवर्ड हो जाएगा, जो आपका मोबाइल ऑन होते हुए भी आपको मोबाइल स्विच ऑफ। फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि अगर आपके मोबाइल में अननोन नंबर का सेटिंग नहीं है तो आप किसी भी अननोन नंबर को कैसे ब्लॉक कर सकते थे। इसके लिए मैं एक छोटा सा एप्लीकेशन यूज करने वाला हूँ। अगर आपके मोबाइल में अननोन नंबर का सेटिंग नहीं है तो आप उस एप्लीकेशन की मदद से बहुत ही आसानी से आप अननोन नंबर का सेटिंग्स यूज कर पाएंगे उस एप्लीकेशन के थ्रू। तो चलिए जान लेते हैं कैसे उस अननोन नंबर एप्लीकेशन को यूज किया जाए। इसके लिए सबसे पहले स्टोर पर जाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सर्च करनी है अननोन नंबर ब्लॉकर। अननोन नंबर ब्लॉकर करने के बाद फ्रेंड्स, सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे रेड कलर का जो आप यहाँ पे इस एप्लीकेशन का आइकन देख सकते हैं, कॉलर ब्लॉकर, कॉलर ब्लॉकर, कॉलर ब्लैकलिस्ट, कॉलर ब्लॉकर, इसको आपको क्लिक कर देनी है। ये मात्र 3 MB का है फ्रेंड्स, इसे फटाफट से इंस्टॉल कर लेनी है। मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर ले। बगल में एक बेल नोटिफिकेशन आ रहा होगा, उसे ऑल पे सेट कर दे ताकि हमारे चैनल पे आने वाले सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। फ्रेंड्स, ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, इसे इंस्टॉल होने देता हूँ। इंस्टॉल होने के बाद ये हमारा प्रोसेस ले रहा है, इसे मैं कर देता हूँ फिनिश पे क्लिक। उसके बाद मैं आता हूँ अपने होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे आने के बाद फ्रेंड्स, आप एप्लीकेशन को यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरी तरह से इंस्टॉल हो गया। मैं इसे कर लेता हूँ जल्दी से ओपन।
ओपन करने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसको आपको यहाँ पे SMS पे क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको कुछ यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप यहाँ पे नंबर के साथ साथ किसी भी SMS आने वाले नंबर्स को भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अभी SMS के बारे में तो नहीं बात करने वाला, यहाँ पे आप ब्लैक लिस्ट का ऑप्शन भी देख सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में ब्लैक लिस्ट का भी सेटिंग नहीं है तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू आप बहुत ही आसानी से किसी भी नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्लस वाले आइकन को देख सकते हैं आप, उसके बाद आप यहाँ पे फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स, फ्रॉम कॉल लॉग्स, फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स, फ्रॉम मैसेज लॉग्स, इनपुट नंबर, नंबर बिगिंस विद, यहाँ पे आप किसी भी चॉइस करके आप अपने किसी भी नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे कॉल लॉग्स के थ्रू भी आप किसी भी मैसेज को ब्लॉक कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला था कि अगर आपके मोबाइल में अननोन नंबर सेटिंग नहीं है तो आप क्या करेंगे। इसके लिए आपको ऊपर में एक 3 डॉट्स नज़र आएंगे, उस पर क्लिक करनी है। उसके बाद आपको सेटिंग पर क्लिक करनी है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स सबसे ऊपर में ही आपको मिल जाएगा ब्लॉकिंग का। ब्लॉकिंग का ऑप्शन के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देख सकते हैं प्राइवेट नंबर ब्लॉकिंग, अननोन नंबर ब्लॉकिंग, ऑल कॉल्स ब्लॉकिंग, ऑल कॉल्स वाइड्स बॉल पी, ये सारा SMS, सारा अननोन नंबर ब्लॉकिंग विद एक्सपेक्ट कॉन्टेक्टेड, ये सारा आप जो इसमें भी आप जिसे भी ब्लॉक करना चाहते हैं उसे ब्लॉक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको अननोन नंबर ब्लॉकिंग करना चाहता था तो आप यहाँ पे अननोन नंबर और प्राइवेट कॉल जो इंटरनेट कॉलिंग्स स्पैम कॉलिंग्स आते हैं उसे ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप इसे भी क्लिक कर दें। इसके क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको बाहर निकल जानी है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका ब्लॉक हो गया है। तो इसके बाद आपके मोबाइल में अननोन नंबर या फिर स्पैम कॉल्स या कहे तो इंटरनेट से जो भी कॉलिंग्स आते हैं जो एक अजीब किस्म का नंबर लेकर के आता है या फिर प्राइवेट नंबर से कॉल आता है वो सारे कॉल्स ब्लॉक हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपके जो वैन बिजी से आप कॉल फॉरवर्ड किए थे उस ऑटोमेटिकली आपका कॉल एक स्विच ऑफ नंबर पे फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद आपका फ़ोन स्विच ऑफ शो करेगा। फ्रेंड्स ये ट्रिक आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से रेड कलर का बटन को सब्सक्राइब करके क्लिक करके उसे बेल उसके बगल में एक बेल नोटिफिकेशन आ रहा होगा उस पर ऑल पे सेट कर दे ताकि हमारे चैनल पे आने वाले सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इस ट्रिक के बारे में पता लगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।